ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद ये क्लियर हो गया आपको? नंबर टू है आपका मेक एन आउटलाइन। इसमें आपने जो पॉइंट्स थे उनसे आपने आउटलाइन बना दी। अच्छा, आउटलाइन का फायदा क्या होता है कि जो आपका एग्जाम चेक कर रहा है वो ऐसे पढ़े बगैर आपकी आउटलाइन से देख के समझ जाता है कि ये हमने अब आपको जो मैंने बताया, ठीक है ना, जो हमने रफ वर्क कर लिया पीछे आपकी आउटलाइन बन गई है, सही है। अब आप फ्रंट पे आके ऐसे लिखना शुरू करते हैं। अब आपके पास दोनों चॉइसेस हैं, या पहला पेज खाली छोड़ के आउटलाइन आखिर में बना लें, पहले ऐसे लिख लें, या आप पहले आउटलाइन लिखें फिर ऐसे लिखें। आप में से कौन से ऐसे हैं जो पहले आउटलाइन लिखते हैं? आप पहले आउटलाइन बनाते हैं उसके बाद आउटलाइन बनाते हैं, या ऐसे लिखते हैं और फिर एंड में आउटलाइन बनाते हैं? ये तो आपको पता है कि आउटलाइन आपको शुरू में, किस किस को पता है शुरू में आउटलाइन देनी होती है आपको? जो आपका टॉपिक होता है ना उसके नीचे आउटलाइन होती है, उसके बाद फिर अगले पेज से ऐसे स्टार्ट होता है आपको, क्लियर है? ये उस आउटलाइन की बात कर रहा हूँ। जो आपने जो पीछे रफ आउटलाइन बनाई है उसको आप जब क्लियर कर लेते हैं तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि आपकी आउटलाइन की वर्डिंग सही हो, मेन पॉइंट हो इस आउटलाइन नहीं, इसमें पूरी आउटलाइन होती है। जैसे आप ये आपकी फेयर आउटलाइन होगी, आपने पहले लिखा कि इंट्रोडक्शन है और आखिर में आपकी कंक्लूजन है, और फिर जितने पैराग्राफ हैं उसकी हर किसी की आपने हेडिंग लिखी है, पैराग्राफ 1, 2, 3, हर पैराग्राफ का एक पॉइंट होगा और वही उसी सीक्वेंस में होगा जिसमें आपने ऐसे लिखे हैं। तो मैं इसमें ये करता था कि मैं जो रफ आउटलाइन होती थी उससे ऐसे लिख लेता था, उसके बाद लास्ट में मैं इसको मेन आउटलाइन को लिखता हूँ, क्योंकि दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट। जो चेक करने वाला बंदा होता है वो आपकी मेन आउटलाइन देखता है कि आपके ऐसे में सब्सटेंस कितना है, उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ के उसको आइडिया हो जाता है कि आपकी लैंग्वेज कैसी है, आपके सारे आइडियाज कैसे हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेकिंग एन आउटलाइन। और ये जैसे आपको बताया कि इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और फिर हर पैराग्राफ के लिए आपने लिखना है, हर पैराग्राफ में फिर क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए। अब इसके बाद अब एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि आप आज पैराग्राफ के अंदर जब आप पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं उसमें क्या चीज़ है जो आपको आपके ऐसे को सही बनाती है, जस्टिफाई योर आर्गुमेंट। फर्ज करें अब जैसे उन्होंने बात की, आप क्या आपने ब्यूरोक्रेसी का कहा था, जो बात आप कर रहे हैं ना आर्गुमेंट, आप जब कोई आर्गुमेंट देते हैं कि भाई आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट पे आप आ जाते हैं, अब आप फर्स्ट करें पैराग्राफ में डिस्कस करें कि हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, तो आप ये सोचेंगे आप तो कह रहे हैं, लेकिन जब आप उसको बैक करेंगे स्टैटिस्टिक्स के साथ या एग्जांपल्स के साथ, जस्टिफाई और आर्गुमेंट का मकसद ये कि आपने अपने ऐसे में स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करना है और एग्जाम्पल्स। भाई जब आप कहते हैं हमारे मुल्क में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आप परसेंटेज जो आपको इकोनॉमिक सर्वे से मिल जाती है, आप नेट पे सर्च करेंगे इकोनॉमिक सर्वे की फिगर, इलेक्ट्रिसिटी का आपको रेट पता होना चाहिए, डेवलपमेंट का आपको रेट पता होना चाहिए, अगर आप करप्शन की बात करें उसमें आपका इंडेक्स का पता होना चाहिए कि हमारा क्या इंडेक्स है, क्राइम की बात करें उस हवाले से, तो ये कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती हैं कि आपको पता होना। दूसरी आप बात करें अगर आप कह रहे हैं कि जी फर्ज करें आप एंड आप कर रहे हैं कि जी हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, डेमोक्रेसी के बड़े फ़ायदे हैं, तो फिर आप उन ममालिक का जिक्र करें और एग्जांपल्स का जिक्र करें,
कि भाई अभी जिन कंट्रीज में डेमोक्रेसी से फाइट